आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। वाह रे सनी पाजी वाह, सनी पाजी ने तो कमाल ही कर दिया। जहां दुबई में गदर 2 को रिलीज नहीं किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों अभी अभी दुबई से लगभग 500 लड़के लड़कियां भारत के मुंबई एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि मुंबई के एयरपोर्ट पर दुबई से आ चुके सनी पाजी के फैंस सिर्फ और सिर्फ गदर 2 को देखने के लिए। इसका पूरा वीडियो आप सभी को दिखाएंगे जो एयरपोर्ट से निकलकर आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि दुबई सनी पाजी के इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहा था। उस फिल्म को दुबई के अंदर इंटरनेट और बाकी वेबसाइट पर बैन लगा दिया है। लेकिन सनी पाजी के फैंस कहां मानने वाले हैं दोस्तों। सनी पाजी के फैंस फ्लाइट का टिकट कटाकर बड़े तादाद में भारत आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सिनेमाघर के सामने काफी भीड़ देखने को मिल रही है और टिकट की कालाबाजारी भी जोड़ो सोड़ो से शुरू हो गया है। दोस्तों सनी पाजी के फिल्म ने बवाल और गदर मचा दिया है, क्योंकि जितना इसे दबाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ज्यादा इस फिल्म के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। पहले तो इस फिल्म को भारत के अंदर बॉयकॉट किया गया, फिर बॉलीवुड गैंग ने सिनेमा घर के मालिकों को खरीद कर मोटी रकम देकर इस फिल्म को चलने नहीं दिया। इसके बाद भी गदर 2 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो इन लोगों ने लोगों के घर में घुसकर डराया, धमकाया कि गदर 2 फिल्म देखना ना जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं माने, क्योंकि यह फिल्म ही ऐसी है कि इस फिल्म में आपको इमोशन डायलॉग प्रेम के साथ साथ पाकिस्तानियों की चंपाकल से तो कभी हथौड़ा से पिटाई हुआ है। लेकिन उनके लाख कोशिश के बाद भी इस फिल्म ने गदर 2 ने 600 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। दोस्तों सनी पाजी के यह फिल्म भारत के अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और रूस में रिलीज किया गया है और वहां भी इस फिल्म ने बम्पर ओपनिंग की है। गदर 2 की रफ्तार को देखकर लग रहा है कि अब यह फिल्म एक महीने तक लगातार चलेंगी और इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। बता दें कि इस फिल्म का क्रेज दुबई के लोगों में इतना ज्यादा है कि जैसे ही इस फिल्म को दुबई के अंदर बैन किया गया तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और तकरीबन 500 के करीब लोग दुबई से भारत आ चुके हैं इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन आप सभी को एक बात बता दूं कि जहां सनी पाजी को दुबई में बैन किया जा रहा है, वहीं शाहरुख खान का एक फिल्म सितंबर में आ रहा है जिसका नाम जवान रखा गया है और उसे फिल्म को अभी से ही दुबई में प्रमोशन किया जा रहा है। दोस्तों इसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सनी पाजी के इस फिल्म को फ्लॉप करने की कितना बड़ा साजिश किया जा रहा है। लेकिन हम लोग इस फिल्म को फ्लॉप नहीं होने देंगे, इसलिए अगर आप सनी पाजी के फैन हैं तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर जाइए।